इतने डरे हुए थे इंग्लिश से कि ऐसा अपना लाइफस्टाइल वहाँ पर जी रहे थे कि किसी से बात करने की नौबत ना आए कि इंग्लिश में बात करे। तो बाहर खाते थे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स के साथ, ताकि कोई इंटरेक्शन ना हो। श्रीलंका के प्लेयर्स जब 3 या 4 विकेट लेते थे तो डरते थे कि 5वां विकेट ना मिल जाए, ताकि वो प्लेयर ऑफ द मैच ना बने और उसके बाद इंग्लिश में इंटरव्यू ना देने पड़े। इंडिया इंग्लैंड सीरीज चल रही है तो ये एक इंग्लैंड में जो किस्से होते हैं उसके बारे में आपको इससे पता चलेगा कि इंग्लैंड में जाके जब एशियन टीम्स को खेलना पड़ता है, एशियन प्लेयर्स को जब खेलना पड़ता है, तो केवल इंग्लिश कंडीशंस को फेस नहीं करना पड़ता है, बहुत बाहर के चैलेंजेस भी होते हैं ऑफ द फील्ड वाले, खास तौर पे इंग्लिश को लेके, क्योंकि वहाँ पर तो इंग्लिश समझते हैं लोकल लोग, तो इंग्लिश बोलनी पड़ती है। और एशियन टीम्स में चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कई बार प्लेयर्स की वो थर्ड फोर्थ लैंग्वेज होती है, कई प्लेयर्स तो बात बिल्कुल कर ही नहीं पाते, और उसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है नहीं, अपनी मदर टंग है नहीं। तो ये किस्सा है जब एक टीम, नाम नहीं बताऊंगा किस देश का, लेकिन प्लेयर्स इस टीम के दो इतने डरे हुए थे इंग्लिश से कि ऐसा अपना लाइफस्टाइल वहाँ पर जी रहे थे कि किसी से बात करने की नौबत ना आए कि इंग्लिश में बात करे। तो बाहर खाते थे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स के साथ, ताकि कोई इंटरेक्शन ना हो। रूम सर्विस में कुछ मंगाना नहीं है उन्होंने डिसाइड किया था, अगर भूख भी लगे तो मिनी बार खोल के खाओ, यानी रूम सर्विस में अगर बात करना पड़े तो प्रॉब्लम, यानी मैच में बड़े बड़े फास्ट बॉल खेलना या अच्छे बैट्समैन को बॉलिंग करना लेस चैलेंज, बट रूम सर्विस में बात करना वाज़ बड़ा चैलेंज उनके लिए। तो एक रात ऐसे हुआ कि नींद नहीं आ रही थी और भूख लगी उनको थोड़ी सी, तो कुछ मंगाना चाह रहे थे, तो सोचा कि जो थोड़ा बचा हुआ बर्गर था बाहर से वो आकर खाएंगे, और 2 कोक के एकदम उनको प्यास आ गई कि कोक मंगाए, और डिसाइड कर दिया कि थोड़ा गट्स करके हम फ़ोन करेंगे रूम सर्विस को। तो एक ने फ़ोन उठाया और कहा कि रूम सर्विस नीड 2 कोक्स रूम 328, और फोन रख दिया कि चलो एक बड़ा काम हो गया, अभी उनको पता चल गया अभी कोक आएगा और फिर से हम ऐसे सिचुएशन नहीं आएंगे कि बात करनी पड़ेगी। तो बेल बजती है, थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोलते तो एक वेट्रेस होती है ट्रे लेकर, उसमें कोक होता है, तो वो प्लेयर दरवाज़ा खोलता है, बोलता है हाँ ओके सिट प्लीज सिट। उन लड़की को थोड़ा सा अजीब लगता है, ये बैठने को क्यों कह रहे हैं, लेकिन यू नो हाउ इंग्लिश पीपल आर, दे वेरी पोलाइट। तो वो अंदर आके वहाँ पर कुर्सी थी वहाँ पर बैठने गई, पर नो 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 कोक वेट यू गो। तो ये ऐसे होता था कम्युनिकेशन, लेकिन अगर ग्राउंड पे अगर आप इनको देखो तो बिल्कुल एकदम किंग, लेकिन ऑफ द फील्ड ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत मुश्किल हो जाती थी कई प्लेयर्स को। मैंने ये भी सुना है कि श्रीलंका के प्लेयर्स जब 3 या 4 विकेट लेते थे तो डरते थे कि 5वां विकेट ना मिल जाए, ताकि वो प्लेयर ऑफ द मैच ना बने और उसके बाद इंग्लिश में इंटरव्यू ना देना पड़े। तो ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं प्लेयर्स के।